हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th चैप्टर 7 का विकास इवोल्यूशन। आज हम लोग मार्क्सवाद और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डार्विनवाद का अध्ययन करेंगे। ओके, हिस्टोरी देख लेते हैं हम लोग लैमार्क का। तो पृथ्वी पर जीवों के विकास को समझाने के लिए लैमार्क द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत प्रथम सिद्धांत था। लैमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक तथा अकशेरुकी जंतु विज्ञान के प्राध्यापक थे। अपने विकासवाद को उन्होंने विश्व के सामने सन 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसफी जुलाजिक में किया। लैमार्क का मानना था कि जीवों में रहन सहन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण में परिवर्तन होने के कारण जीवों की आदतों तथा व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। ऐसा होना जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इन परिवर्तनों के कारण जीवों में कुछ अंगों का प्रयोग अधिक एवं कुछ का कम होता है। कम उपयोग होने वाले अंग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अधिक उपयोग होने वाले अंग और अधिक विकसित होते चले जाते हैं। इन परिवर्तनों से जीवों में कुछ नए गुण एवं आदत विकसित हो जाते हैं। इन्हें उपार्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। लैमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशगतिकी का मत भी कहते हैं। तो इस प्रकार वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों के आदतों तथा व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाता है, उसको लैमार्क ने उपार्जित लक्षण कहा। लैमार्कवाद को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। पहला है आंतरिक जैविक शक्ति। लैमार्क का मानना था कि जीवों में आंतरिक शक्ति के कारण जीवित पदार्थ में लगातार वृद्धि होती रहती है। दूसरा, वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। वातावरण सभी जीवों पर सीधा प्रभाव डालता है, जिससे जीवों में वातावरणीय समस्याएं पैदा होती है। इन समस्याओं से सामंजस्य स्थापित करने के लिए जीव अपने शरीर में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक बदलाव लाते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। तीसरा, नई आवश्यकताएं। वातावरण में परिवर्तन के साथ जीवों की आवश्यकताएं भी बदल जाती है। उदाहरण, स्थलीय पक्षी। जैसे जो स्थलीय पक्षी होते हैं, है ना, तो स्थल में अगर भोजन की कमी हो जाती है तो वह जल की ओर जाने लगते हैं, जिससे उसमें तैरने के लक्षण व क्षमता आ जाती है और यही क्षमता स्थायी हो जाते हैं बाद में, और वैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं। चौथा है अंगों का उपयोग और अनुपयोग। लैमार्क के अनुसार जिन अंगों का उपयोग कम हो जाता है वे धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं और अवशेषी अंग बन जाते हैं। इसके विपरीत जिन अंगों का उपयोग बढ़ जाता है वे आकार में बड़े एवं अधिक विकसित हो जाते हैं, जिनसे शारीरिक रचना, गठन व आदतों में बदलाव आ जाता है। अवशेषी अंग अर्थात जो शरीर में उपस्थित है लेकिन उसका कुछ कार्य नहीं होता, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि बाल,
बाहा करना मनुष्य में इत्यादि। ये लक्षण उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में बदल गया, वेल के अग्र एवं पश्चपाद विलुप्त होकर फ्लिपर्स में बदल गए। ये लैमार्क के बाद है ना। पांचवा है उपार्जित लक्षणों की वंशगति की। जीव के जीवन में आंतरिक शक्ति व वातावरण में परिवर्तन के कारण जो लक्षण विकसित होते हैं उनकी वंशगति पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, जिससे बाद वाली पीढ़ियों में सदस्य जनकों से अलग हो जाते हैं और कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है बाद की पीढ़ियां जनक पीढ़ियों से एकदम भिन्न हो जाते हैं। लैमार्कवाद के समर्थन में कुछ उदाहरण है ना। पहला है अफ्रीका के रेगिस्तान में लंबी गर्दन तथा लंबी टांगों वाले जिराब पाए जाते हैं। लैमार्क के अनुसार लंबी गर्दन वाली जिराब की उत्पत्ति छोटी गर्दन वाली जिराब से हुआ है, ऐसा लैमार्क ने कहा। सांप की उत्पत्ति छिपकली समान पूर्वजों से हुई है। मनुष्य में बाह कर्ण को हिलाने डुलाने की क्षमता नहीं पाई जाती। ये उदाहरण वातावरण के प्रभाव तथा उत्पन्न गुणों की वंशगतिकी को प्रमाणित करता है। ये था लैमार्क वाद। अब हम आगे पढ़ेंगे डार्विन वाद के बारे में। इसका भी हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक महान जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीवों के विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की और सर्वप्रथम बतलाया कि मनुष्य और बंदर के पूर्वज एक ही थे। उन्होंने 1831 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और वही डॉक्टर हैंसले से मिला व ब्रिटिश सरकार की मदद से उन्होंने हैंसलो के साथ विश्व सर्वेक्षण जहाज बीगल पर अपनी यात्रा प्रारंभ की। 5 वर्ष बाद 2 अक्टूबर 1836 को डार्विन विश्व सर्वेक्षण कर जहाज के द्वारा वापस लौटे। यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक प्रकार के जीव जंतु जीवाश्म आदि को देखा एवं एकत्रित किया। उन्होंने अपने इस यात्रा को एक प्रकृति विज्ञानी की समुद्र द्वारा विश्व की सैर पुस्तक में संकलित किया। इस यात्रा से डार्विन का विचार बदल चुका था और वे जैव विकास का मत स्वीकारने लगे और एक नया सिद्धांत विश्व के सामने रखा, जिसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है या डार्विनवाद कहते हैं। डार्विनवाद का योगदान प्राकृतिक वर्णवाद। डार्विन के विकास संबंधी मत को डार्विनवाद अथवा डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। इनके अनुसार वे जीन जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और अच्छे अनुकूलन वाले जीव ही और अनुकूलित होकर नए जीवों को पैदा करते हैं। डार्विनवाद की व्याख्या, पहला प्रगुणन की तेज दर। ज़्यादा संतान पैदा करने की क्षमता जीवों का स्वाभाविक गुण है। उदाहरण, एक तारा मछली एक बार में 1,00,000 अंडे देती है। यदि इसके सभी बच्चे जीवित रहे तो उन्हें भोजन तथा रहने के लिए स्थान मिलना मुश्किल हो जाएगा। अतः इनमें से अधिकांश जीव निर्माण के पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ दूसरे जीव द्वारा खा लिए जाते हैं, कुछ भोजन के कमी के कारण मर जाते हैं। इस प्रकृति में जीवों की संख्या सीमित एवं स्थिर रहती है।
दूसरा है जीवन संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। जीव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में संघर्ष करते रहते हैं, जैसे स्वजाति संघर्ष, अपने ही जाति के सदस्यों के साथ संघर्ष करना स्वजाति संघर्ष, अंतरजाति संघर्ष, अब एक ही जाति के वंशों के सदस्यों में संघर्ष करना वातावरणीय संघर्ष, ताप दाप इत्यादि के साथ संघर्ष करना वातावरणीय संघर्ष कहलाता है। विभिन्नताएं जीवन में होने वाले संघर्ष के परिणाम स्वरूप जीवों में विभिन्नता आ जाती है। समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वरण। डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में सफल जीव अधिक संतान उत्पन्न करते हैं और उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। असफल जीव में प्रजनन दर घटती है, अतः धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इस घटना को उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा, अर्थात समर्थ का जीवत्व कहा, तथा यह घटना प्राकृतिक वरण कहलाता है। पांचवा है नई जाति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। डार्विन के अनुसार विभिन्नताओं के उत्पन्न होने तथा उनकी वंशगति की एवं अनुकूलन के कारण ही नई जातियों का उद्भव पुरानी जातियों से होता है। डार्विन के अनुकूलन विकिरण के उदाहरण। डार्विन ने गैलोपागोस द्वीप पर पाए जाने वाले पक्षियों की चोंच में अनेक भिन्नता पाई। उनके अनुसार उन सभी पक्षियों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई। इनकी चोंच में भिन्नता इनके भोजन स्वभाव के कारण हुआ है। लैमार्कवाद व डार्विनवाद में अंतर। लैमार्कवाद उपार्जित लक्षणों की वंशगतिकी पर आधारित है। ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए जिराफ की गर्दन लंबी हुई थी। डार्विनवाद प्राकृतिक चयन पर आधारित है। जिराफ के पूर्वजों में लंबी तथा छोटी दोनों प्रकार के गर्दन वाले जिराफ थे। इस प्रकार लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद ने अपना अपना सिद्धांत दिया और विकास को प्रमाणित किया है। तो ये हो गया लैमार्कवाद और डार्विनवाद। आज का क्लास यहीं तक, ठीक है, धन्यवाद।